हेलो डियर लर्नर्स वेलकम टू एन आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 27 सेवन दैट इज नॉम क्लेचर एंड जनरल प्रिंसिपल सो दिस पार्ट इज पार्ट थर्ड पार्ट वन एंड पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले सो लेट जस्ट स्टार्ट इन पार्ट वन वी हैव बिन डिस्कस अबाउट क्लासीफिकेशन ऑफ कंपाउंड हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन क्लासीफाई

कर पाएंगे सो लेट जस्ट स्टार्ट क्लास सो इन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट था उसमें हम लोगों ने के बारे में पढ़ा था uh, Compounds की के बारे में पढ़ा था। तो आई यूपीएससी नॉमिक्लेचर करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है बेसिकली आई यूपीएससी नॉमिक्लेचर में फोर थिंग्स होती है कौन कौन सी नंबर वन इज प्रिफिक्सिस नंबर टू इज रूट वर्ड नंबर थ्री इज प्राइमरी सफिक्स एंड नंबर फोर इज सेकेंडरी सफिक्स सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर आर बेसिकली फोर पार्ट्स रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स तो हम लोगों ने प्रिफिक्सिस के बारे में पढ़ लिया था देन वी हैव बिन डिस्कस अबाउट रूट वर्ड्स रूट वर्ड्स में क्या था एलकेन एल्केन एंड एल्काइंस के बारे में हमने डिस्कस किया था सो दीज आर रूट वर्ड्स लाइक एल्केन के केस में हम एन लिखते हैं के केस में हम इन ऐड करते हैं एंड एल्काइन के केस में हम ऐड करते हैं आइन। दैट इज वाई एन ई सो इन दिस वीडियो वील गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड वील गोइंग टू डिस्कस अबाउट आई यू पी सी नॉमिकलेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड

बिल्कुल वैसे ही यहां पर नंबर ऑफ कार्बन को हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स प्राइमरी सफिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं लाइक सफिक्स की अगर हम बात करें देर आर टू थिंग्स प्रिफिक्स एंड सफिक्स एंड इन मिडल ऑफ प्रिफिक्स एंड सफिक्स देर इज अ रूट वर्ड तो रूट वर्ड के पहले अगर हम कुछ आई यू पी में कुछ नेमिंग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंड आफ्टर रूट वर्ड वी राइट सफिक्स ओके तो सफिक्स हम लिखते हैं तो प्रिफिक्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं लेट जस्ट डिस्कस अबाउट सफिक्स तो सफिक्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स सो वट आर प्राइमरी सफिक्स एंड वॉट आर सेकेंडरी सफिक्स लेट जस्ट डिस्कस इफ यू टॉक अबाउट प्राइमरी सफिक्स Then these are en, in, in, and in. So number of carbon. This is called as root word. Root word. And en is basically our primary suffix. Okay, primary suffix. As in this case also, bute is root word.

कि जो प्राइमरी सफिक्स है वो कैसे लिखते हैं हम बेसिकली प्राइमरी सफिक्स आर एन इन और आइन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन इफ देर इज वन बॉन्ड देन वी कॉल्ड एज एन इफ देर आर टू बॉन्ड वी कॉल्ड एज इन इफ देर आर थ्री बॉन्ड वी कॉल्ड एज आइन तो रिमेंबर दैट प्राइमरी सफिक्स में हम एन इन और आइन का यूज करते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड so in this part we will going to discuss about secondary suffixes तो जैसे कि मैंने आपको बोला there are three part prefix root word and suffix तो suffix में हम लोगों ने primary suffix अभी हम लोगों ने पढ़ा primary suffix में क्या था en in and iin it totally depends on number of bond in between two carbon तो en in, in and iin वहां पर हम लोग use में लाते थे then we'll going to discuss about secondary suffixes तो secondary suffix है क्या let's just discuss suffixes that are added after the primary suffixes to indicate the presence of a particular functional group particular functional group in carbon chain is called the secondary suffix so remember that suffix are divided into two parts. number one is an in, in or in that is called as primary suffix and what are secondary suffixes if there are functional group is present then this will be going to nomenclate uh, in the secondary suffix. For example, if you can see on your screen, there are some functional groups are given like carboxylic acid, ester, acid chloride, acid amide, acid anhydride and aldehyde. These are some functional group, uh, how can you identify with the help of functional group structure?

एल्केन का ई रिप्लेस करके हम ओइक एसिड उसमें एड कर देंगे देन वील गोइंग टू डिस्कस अबाउट एस्टर तो वॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर सी ओ आर एंड फॉर दैट वी यूज एल्किल ओइट एंड फॉर एसिड क्लोराइड लाइक सी ओ सी एल वी यूज ओइल क्लोराइड फॉर एसिड अमाइड लाइक सीओ एन एच टू दिस इज बेसिकली फाउंड इन प्रोटीन या अमीनो एसिड के केस में हमें देखने को मिलता है अमीनो एसिड बॉन्ड में अमीनो so, एसिड आपके चैप्टर में दिया हुआ है अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड के केसेस में हम यहाँ पर देखेंगे कि वहां पर हमें नॉमिक्लेट करना रहेगा वी यूज अमाइट फॉर दिस। ओके? लाइक दिस इज कॉल्ड एसिड हाइड्राइट बॉन्ड यहां आर कोई भी आर ग्रुप हो सकता है सी के बजाय कुछ भी हो सकता है सी टू एच फाइव फॉर दिस वी यूज एन हाइड्राइट एंड फॉर एल डी हाइड वी यूज अल ए एल अल ओके

This is the structure here. R and R group will present. For this, we use O and e on for nitrile like C N bond. This is called nitrile. For this, we use nitrile simply nitrile. For isocyanide, what is isocyanide? This is simply isocyanide group, and for that we use also isocyanide. For thiol like S H bond is there. If there is S H bond, then we use thiol. For alcohol like O H. We use ol all, and for amine that is NH2 we use simply amine. So these are some secondary suffixes examples. So we iski help se jo problem hogi, aage further solve karenge. Now moving to the next slide. so let, uh, let us how see the iupac names of formed from root primary suffixes and secondary suffixes so let's just discuss about some uh, okay so let's just discuss about some examples for example if there are alcohol

this is the structure of ch3 oh and there is no single or double bond iske case mein to hoga hi nahi like agar hum baat kare c2h5oh ki c2h5oh so what is this this is called methanol aur ye kya hamara ethanol so ethanol है। इसका अगर हम structure draw करेंगे, so there are two carbon 5 hydrogen is there and one OH group is there, so as you can see on your screen there is no double or triple bond, there is only single bond, then this alcohol is called as saturated alcohol, okay? so if double or triple bond on that case we called as unsaturated alcohol, if there is only single bond this is known as saturated alcohol and for saturated alcohol एलकेन के साथ हम ओ एल ऑल लगाएंगे एल्केन के ई e को रिप्लेस करके देन दिस इज कॉल्ड एज एल्केन ऑल तो यहां पर हमने ई e रिप्लेस कर दिया है ई e रिप्लेस करके क्या करेंगे ओएल ऑल लगाएंगे एल्केनॉल फॉर अनसेटेड वी यूज एलकेन प्लस इन दैट इज ईन का हम ई रिप्लेस यहाँ से करेंगे एंड ई एन ए के साथ हम ओएल ऑल लगाएंगे तो दिस इज नोन एज एल्केनॉल फॉर अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स लाइक अगर हमारा एल्काइन है इफ देर इज ट्रिपल बॉन्ड इफ देर इज डबल बॉन्ड वी यूज इन इफ देर इज ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन टू कार्बन दैन दिस इज हियर वी यूज आइन एंड आइन का ई रिप्लेस करके हम ओ एल ऑल लगाएंगे दिस इज नोन एज एल्काइन ऑल दैन इफ देर आर एल डी हाइड्रिक ग्रुप वॉट इज एल डी हाइड्री ग्रुप सी एच ओ ग्रुप इज देयर विथ नंबर ऑफ कार्बन दैन वी यूज एन दैट बिकॉज देर इज सिंगल सिंगल बॉन्ड ठीक है तो एल केन का ई रिप्लेस करके हम अल लगाएंगे तो यह हो जाएगा एलकेन अल इफ देर इज कीट ओन देचुरेटेड अगेन वी यूज एन ई रिप्लेस करके हम ओन लगाएंगे दिस इज नोन एज एल केम एग्जाम्पल्स हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द आई यू पी सी नॉमिन क्लेचर विद्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स हम फर्दर जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करेंगे

ओके एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम साइक्लो यूज नहीं करेंगे ठीक है रूट वर्ड आर प्रिफिक्स विद द नेम ऑफ सब्सिट्यूएंट ऑन द साइड चेन तो रूट वर्ड हम साइड चेन के लिए बेसिकली यूज करते हैं अभी आगे एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व कराऊंगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि रूट वर्ड हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एंड फॉर साइक्लिक ग्रुप इफ देर इज नो नॉन देर इज नो एरोमेटिक कंपाउंड देन उस केस में हम क्या करेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड अगर हमारे रहते हैं उस केस में हम क्या करेंगे सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देर इज अ स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे सो so, ये कैसे बना है देर इज वन कार्बन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स कार्बन आर देयर और इस कार्बन की अगर हम बात करें किसी भी कार्बन की अगर हम बात करें तो इसने दो बॉन्ड बनाए हैं दैट मीन्स दो हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा इसी तरीके से सभी कार्बन में होगा देन द फॉर्मूला इज सी टू एच सिक्स तो सिंपली अगर हम बात करें एल्केन एल्न एल्काइन में ओपन चेन तो ये है नहीं ये कैसा ग्रुप है ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है ऑन दैट केस वी यूज साइक्लो बट बिफोर द रूट वर्ड

एंड कार्बन का जस्ट दुगना है हमारा हाइड्रोजन बिकॉज एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है तो H कितना हो जाएगा ट्वेल्व तो फॉर सिक्स कार्बन वी यूज हेक्स एंड बिफोर द रूट वर्ड वी यूज साइक्लो ओके साइक्लो वी यूज एंड इफ देयर आर ओनली सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे हो केवल सिंगल बॉन्ड है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे एन ऐड करेंगे देन इसको हम कंप्लीटली क्या कह सकते हैं साइक्लोहेक्सेन so the name of this compound is cyclohexane we use a cyclo before root word and the root word is hex and there is a single single bond in between two carbon then we use suffix ane thanks for this session thank you learners